फिर से एक बार आपके अपने चैनल आर्यन आईटीआई ट्रेड स्पेशल पे स्वागत है। और एक न्यू वैकेंसी निकल के आ रही है, ठीक है, डिप्लोमा और आईटीआई स्टूडेंट के लिए। तो सो आप लोग इस वीडियो में प्लीज बने रहिए, ठीक है। जितने आईटीआई और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, और नॉन टेक्निकल का भी पोस्ट है इसमें, ठीक है। और अगर आप नॉन टेक्निकल का क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप सभी इस फॉर्म को, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी इस फॉर्म के बारे में मिल पाएगी, ठीक है। आइए, न्यू वैकेंसी अभी जल्दी निकल के आ रही है। यह वैकेंसी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र, ठीक है, वहाँ से निकली हुई है, ठीक है। और आते हैं, हम देखते हैं इसमें, तो देख सकते हैं रिक्वायरमेंट फॉर नॉन टीचिंग नॉन टेक्निकल पोस्ट, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे फर्स्ट पोस्ट जूनियर इंजीनियरिंग सिविल का है, ठीक है ना, और जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, और लैब में जो है लैब असिस्टेंट का इंफॉर्मेशन, ठीक है, और स्टोनोग्राफर, और सभी जो है नॉन टेक्निकल पोस्ट भी है इसमें। अब आते हैं हम सीधे जो है आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए जो पोस्ट है, ठीक है, टेक्नीशियन का, ठीक है, टेक्नीशियन का जो पोस्ट है, यहाँ देख सकते हैं टेक्नीशियन का ये पोस्ट है, ठीक। तो यहाँ टेक्नीशियन का पोस्ट आप लोग देखें, 11वें नंबर पे है, ठीक है, 11वें नंबर पे है, ठीक है, यहाँ टेक्नीशियन का पोस्ट है, ठीक है। आइए सकते हैं, ठीक है, ग्यारहवें नंबर पे आते हैं, देखिए यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, ठीक है। यहाँ भी देखिए आप लोग देख सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है, यहाँ देखिए सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का दिया हुआ है। यहाँ देखिए सीनियर जो है 10+2 मांगा है, ठीक है, सेकेंडरी, ठीक है, 10+2, और 50% मार्क्स होना चाहिए आपका, ठीक है, और आईटीआई कोर्स 1 ईयर, ठीक है। तो तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, आइए देखते हैं टेक्नीशियन का जो पोस्ट है, ठीक है, आते हैं देखते हैं इसमें, इसमें देख सकते हैं इसमें भी सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, और जो है आप 10+2 और आईटीआई जो है 50% मार्क होना चाहिए आपका हाई स्कूल में, ठीक है, तभी इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और आईटीआई सर्टिफिकेट, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं क्या क्या मांगा हुआ है, ठीक है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ करके इस फॉर्म को फिलअप करिए, ठीक है। और आते हैं इसमें जो है आपका परीक्षा होगा, ठीक है, उसी के बेस पे आपका जो है आपका यहाँ सिलेक्शन होगा, ठीक है। और
आप लोग पढ़ाई भी करते रहिए, ठीक है। और यह फॉर्म भेजना भी है, ठीक है, इस फॉर्म को फिलअप करके भेजना भी है, ठीक है। यहाँ ए जी के लिए दिया हुआ है, ठीक है। और अप्लाई करने के लिए कब जो है कैसे क्या करना है, ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए आप लोग इसके साइट पे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ जैसा कि दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ जैसा कि दिया हुआ है इसके साइट पे जा करके आप लोग देख सकते हैं। ये साइड है www.nitkkr.ac.in, ठीक है। और ये फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है 13/1/2023 टू 28/2/2023 तक जो है इस फॉर्म को फिलअप करके भेजना है, ठीक है ना। ठीक है, और ये फॉर्म जो है इस पते पे भेजना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये पता है, ठीक है, ये पता है, इस पते पे आप लोगों को इस फॉर्म को फिलअप करके भेजना है, ठीक है ना। और भेजने की जो डेट है वो 7/3/2023 तक जो है आपका फॉर्म वहाँ पहुँच जाना चाहिए, ठीक है, 5:30 PM तक, ठीक है। इम्पोर्टेंट डेट यहाँ इन्होंने दिया हुआ है, तो सो गाइज आप लोगों को, सभी दोस्तों को संपूर्ण सभी जानकारी हो गई होगी, ठीक है, कैसे हम इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए इसके साइट पे जा करके और देख सकते हैं, ठीक है। और यह फॉर्म ITI के जो स्टूडेंट हैं वो इसमें जो है फिटर, जैसे फिटर के हैं वो मैकेनिकल में, और अगर आप इलेक्ट्रिशियन से ITI किए हैं तो इलेक्ट्रिशियन के टर्म में जो है उसमें, इलेक्ट्रिशियन से ITI किए हैं तो इलेक्ट्रिशियन का जो पोस्ट है उसमें आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। और इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ इन्होंने इम्पॉर्टेंट डेट दिया हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं 11/1/2023 से फॉर्म स्टार्ट है। नोटिफिकेशन आया था 11/1/2023 को, ठीक है, और ओपनिंग जो फॉर्म का हुआ है वो 13/1/2023 को, ठीक है, और क्लोजिंग डेट जो है वो 28/2/2023, ठीक है, 11:59 PM तक, मतलब 12 बजे तक जो है आपका फॉर्म क्लोज हो जाएगा भरने का, ठीक है। और लास्ट डेट जो है भेजने का जो है वो मतलब 7/3/2023 तक आपका फॉर्म वहाँ जो एड्रेस बताएं हम उस एड्रेस पे पहुँच जाना चाहिए 5:30 PM तक, ठीक है, तभी आपका फॉर्म मान्य होगा, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर आपका ईमेल आईडी भी दिया हुआ है जो कि उनका ऑफिशियल ईमेल आईडी है, ठीक है, अगर कोई जानकारी आप चाहते हैं तो इस पे आप मेल कर सकते हैं, मेल करने पे जो है हो सकता है कुछ आपको जानकारी वहाँ से प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। सो गाइज आप लोग इस फॉर्म को फिलअप करिए, ठीक है, और ऐसे ही वीडियो बने, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल पे बने रहें, ठीक है, ऐसे ही जानकारी इस चैनल पे आप लोगों को उपलब्ध करवाते रहेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, एक बार फिर से जो है आप लोग देख लीजिए ITI वाले, ठीक है, इसमें जो एज मांगा हुआ है, ठीक है, वो 27 ईयर, ठीक है।
है, 27 ईयर आपका, और एप्लीकेशन जो फीस लगेगा, ठीक है, एप्लीकेशन फीस को हमने नहीं बताया, देख लीजिए आप लोग, एप्लीकेशन फीस इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 500 रुपये जो है आपका एप्लीकेशन फीस लगेगा, UR और EWS OBC का, ठीक है, इस फॉर्म को फिलअप करने पे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ठीक है, और भी कई ट्रेड के लिए है, ठीक है। तो जैसे जितना आपका क्वालिफिकेशन है उस अनुसार जो है आप फॉर्म भर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।